हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मोनिका किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी लेके हाजिर हूँ और इस रेसिपी का नाम है पनीर अंगारा रेसिपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको ये रेसिपी घर में बनाना बताऊंगी, और ये रेसिपी आप जैसे ढाबा स्टाइल और आपको जो होटल में आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं फ्रेंड्स, वो आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको घर में बताऊंगी कि कैसे आप इसको स्मोकी पनीर और पनीर अंगारा रेसिपी बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है बनाना, एकदम जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलती हूँ कि क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ कर रही हूँ। स्मोकी पनीर रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है, सबसे पहले मैंने 800 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 से 6 लोगों के लिए पनीर बना रही हूँ। ध्यान से सुन ले, मैं 5 से 6 लोगों के लिए पनीर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 800 ग्राम पनीर लिया है। ये पनीर को मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने छोटे काट लिए हैं प्याज को। यहाँ पे मैं 2 प्याज का यूज़ किया है। इनको आप देखिए, इस तरह से मैंने इनके छिलकों को अलग कर लिया है। काजू, यहाँ पे मैं 8 से 10 काजू यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरा का पूरा काजू, मैंने इनको काजुओं को बीच से तोड़ लिया है। लहसुन, यहाँ पे मैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ यूज़ कर रही हूँ। अदरक को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैं 2 बड़े टमाटर का यूज़ कर रही हूँ, इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ मैं 2 शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, इनको भी मैंने इस तरह से चकोर में इस तरह से आप काट सकते हैं, आप काट लीजिए। मसाले के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं नमक स्वाद अनुसार हम यूज़ करेंगे। हल्दी यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ली है। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, यहाँ पे आप अपने अनुसार जितना भी आप तीखा चाहते हैं वो कर सकते हैं। जीरा पाउडर मैंने 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा कोयले का यूज़ किया है, क्योंकि इसी से हमारे रेसिपी पे स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। कोयले में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमको उसके ऊपर देसी घी की ज़रूरत होगी। ये देसी घी मैं घर का बना हुआ देसी घी यूज़ कर रही हूँ, तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे। आपको मैं दिखाऊंगी आगे के रेसिपी पे मैं कैसे स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं अपने गैस को ऑन करूँगी और ये कढ़ाई को उस पर रखूँगी और गर्म होने के लिए छोड़ देंगी। फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई पूरी गर्म हो गई है। अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। यहाँ पे मैं 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम ये लहसुन जो है ये डाल देंगे, अदरक, काजू, इसको हम कुछ 5 मिनट तक इसको हल्का फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हल्का सा लाल हो गया है। अब इसको बाकी जो है हम लोग प्याज के साथ इसको करेंगे फ्राई। हम इसी में टमाटर भी डाल देंगे। आप देख लीजिएगा कि मैं कौन सा प्याज लिया है। मैंने बहुत बारीक कटे हुए प्याज का यहाँ यूज़ किया है। इसको हम लोग थोड़ा देर तक 5 मिनट तक इस तरह से इसको भी हल्का फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा टमाटर और प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम अपने गैस स्टोव को बंद कर देते हैं और इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम गरम गरम नहीं पेस्ट बना सकते हैं, तो इसलिए हमको इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसको अलग निकाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस लिए अपने मसालों को। ये देखिए, ये ठंडा हो गया था, हल्का सा पानी ऐड करके मैंने इसको पीस लिया है।
तो फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। इसके लिए मैं कढ़ाई को चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं उसी कढ़ाई में अपने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से अपने गैस को ऑन करूँगी। आप चाहें तो नए कढ़ाई अगर आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर से हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। गरम होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम ये जीरा डालेंगे। हमारा जीरा भी देखिए फ्रेंड्स हल्का गरम हो गया है। इसमें हम जो ये प्याज काटे थे अलग अलग कलियां जो करी थी इसको मैं डाल दूंगी। शिमला मिर्च अब इनको डाल के हम लोग कम से कम 5 मिनट तक इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे जो शिमला मिर्च और प्याज था और जीरा पूरी तरह से अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें मैं सारे मसालों को ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ जितने भी मसाले थे मैं उसको ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया, आप अपने अनुसार मसाले को घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितने मसाले यूज़ करते हैं। जीरा पाउडर, गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे, नमक। इसको हम थोड़ा 1 मिनट तक मसालों के साथ चलाएंगे। फ्रेंड देखिए ये मेरे पूरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ये वाले मसाले को डालना स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हम इसको थोड़ी देर तक 5 मिनट तक कम से कम इसको हम लोग भूनेंगे। इसको हम आज थोड़ा धीरे कर दिए हैं और अब इसको मैं ढक दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा अभी पूरी अच्छी तरह से मसाले भून गए हैं। अब इसमें हल्का सा मैं, आप देख रहे हैं ये कलर है, थोड़ा सा हल्का सा मैं कलर ऐड करूंगी ताकि इसमें और अच्छा कलर इसका आ जाए। चुटकी भर कलर मैंने डाला है, ये देखिए ये हल्का रेडिश कलर इसमें आ जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे जो मैंने ऐड नहीं किया था। चला देंगे। पनीर ऐड करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे आपको चलाना होगा क्योंकि पनीर आपका ये इसमें टूट ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हल्का हल्का आपको बस पनीर को इसमें मिक्स करना है। तो पहले थोड़ा डालिए और उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दीजिए। ये क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी हो रही है तो मैं इसमें बाद में पानी भी मिक्स करके इसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने पनीर को किस तरह से हल्के हल्के मिक्स कर दिया है और हल्का मैंने इसमें पानी भी डाल दिया ताकि इसकी ग्रेवी जो थिक थी थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। और आप अपने हिसाब से इसको जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा पकने के लिए ढक दूँगी धीमे आँच पर। मैं इसके फ्लेम को धीरे कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पनीर एकदम अच्छी तरीके से मसाले के साथ एकदम पक गया है। अब इसमें मैं स्मोकी फ्लेवर डालूंगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे स्मोकी फ्लेवर डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो इमली का मैंने यहाँ कोयला यूज़ किया इसको मैंने पूरी तरह से गर्म कर लिया है। इसको मैं बंद कर दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसको हम एक यहाँ पे पहले से ही आप एक कटोरी में यहाँ पे एक जगह बना लीजिए, इस पर मैं ये रख दिया है। और
और इस पे जल्दी से आपको क्या करना है, ढकना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही जल्दी वाला प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं देसी घी इस पर डालूंगी, इसमें से फ्रेंड धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इसको तुरंत आपको इसको बंद करना है। कोशिश करिए कि किसी भारी चीज़ से आप इसको क्या करें, ढक दें।